नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा अमरावती महानगर पालिका पर लगाए गए 47 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नीरी द्वारा जायजा लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आज शुक्रवार 23 फरवरी को फिर से हुई सुनवाई में मनपा की तरफ से उनके वकील द्वारा जनवरी व फरवरी माह में बारिश के कारण कम्पोज डिपो के बाय माइनिंग का काम पूरा नहीं होने का कारण बताने पर अब इस मामले की आगामी सुनवाई 22 अप्रैल 2024 को रखी गई है। अदालत ने इस 2 महीने के दौरान बायो माइनिंग का काम पूरा करने की हिदायत दी है। ओबीसी आरक्षण के लिए 2 साल से अधिक समय प्रलंबित हो गया। अमरावती व अकोला महानगर पालिका सहित 27 स्थानीय निकायों के चुनाव अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे, यह बात गुरुवार को स्पष्ट होगी। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई प्रलंबित है, जो अब सीधे अप्रैल माह में होने की खबर मिल रही है, जिसके पहले लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। मेलघाट क्षेत्र अंतर्गत धारणी व चिखलदरा तहसील में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को विगत 2 माह से प्रलंबित रहने वाली मजदूरी की रकम तत्काल अदा किए जाने की मांग उठाते हुए अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कड़ू तथा मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने ऐसा नहीं होने पर 27 फरवरी से मुंबई मंत्रालय स्थित रोजगार गारंटी योजना विभाग के सचिव के कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की ओर से सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह 24 फरवरी को विद्यापीठ परिसर में संपन्न होने जा रहा है, जिसके समय में आंशिक बदलाव किया गया है। दीक्षांत समारोह कल सुबह 10 बजे की बजाय 11 बजे शुरू होगा। वाशिम जिला अंतर्गत कारंजा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेंद्र पाटनी का आज 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विधायक राजेंद्र पाटनी विगत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विधायक पाटनी के निधन का समाचार मिलते ही राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक जताते हुए उनके साथ जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में शिंदे गुट वाली शिवसेना की महिला अघाड़ी जिला प्रमुख अरुणा गायकोले तथा युति महानगर प्रमुख कोमल बद्रे सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जिस शिवसेना को बड़ा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर हिंदू हृदय सम्राट दिवंगत बालासाहेब ठाकरे ने अपना खून पसीना एक किया और पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना के विचार को फैलाया, उस शिवसेना को बदनाम करते हुए खुद को बड़ा करने का प्रयास नमिता तिवारी नामक महिला द्वारा किया जा रहा है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता के तहत बचत भवन में अमरावती मनपा क्षेत्र सहित अमरावती और भातकुली तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में होने वाली जल किल्लत की समस्या को लेकर बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में पेयजल से संबंधित समस्या के त्वरित निवारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही विधायक रवि राणा ने इस काम में कोताही करने वाले अधिकारियों को खड़े बोल भी सुनाए तथा 15 दिन के भीतर सभी संबंधित कामों को पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए। गत्रो ने उद्घाटित हुए अमरावती के नए तहसील कार्यालय की इमारत में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा उप विभागीय अधिकारी अनिल भटकर व तहसीलदार लोखंडे की प्रमुख उपस्थिति के बीच शासन आपलेदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों के साथ ही जरूरत का साहित्य एवं राशन कार्ड का वितरण किया गया। राज्य की महायुति में शामिल शिंदे गुट का समर्थन करने वाले विधायक बच्चू कड़ू ने कहा कि यदि हम लोग गुवाहाटी नहीं गए होते तो आज राज्य में महायुति की सरकार नहीं बनी होती। ऐसे में भाजपा से वास्ता रखने वाले जो लोग अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपने दम पर निधि लाने की बात करते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे हमारे दम पर ही राज्य की सत्ता में हैं। जिले में नानगो खंडेश्वर तहसील अंतर्गत शिवनगांव रोड क्रॉसिंग पर आए दिन कई हादसे घटित होते हैं तथा अब तक यहां पर 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं विगत दिनों हुए सड़क हादसे में 4 युवा क्रिकेटरों की मौत होने के साथ ही 10 युवक घायल हुए। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेता तुषार भारती ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम भेजे गए पत्र में शिवनगांव रोड क्रॉसिंग पर उड़ान पुल का निर्माण करने की मांग उठाई है। भाजपा शहर सचिव प्रवीण वैश्य द्वारा अंबा देवी से दशहरा मैदान की तरफ जा रहे मार्ग पर भूमिगत गटर योजना का चेंबर टूटने के बाद उसे दुरुस्त न किए जाने की वजह से इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होने की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रभात कॉलोनी के पास स्थित इस चेंबर को दुरुस्त करने की मांग उठाई। आदिवासी समाज बंधुओं की विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी एकता विकास मंच बिदर प्रदेश द्वारा आज संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया, जिसमें ढोल मृदंग के साथ आदिवासी महिला पुरुष शामिल हुए थे। जमीन प्रत्येक एक हेक्टर 1 हेक्टर
विगत 19 फरवरी से वंचित बहुजन आघाड़ी के आशीष लुल्ला द्वारा सिंधी समाज के लोगों के लिए पीआर कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा था, जिनका साथ देने के लिए अन्य चार लोग भी अनशन पर बैठे थे। ऐसे में आज राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, बडनेरा के विधायक रवि राणा, दरियापुर के विधायक बलवंत वानखड़े सहित भाजपा व्यापारी आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने आंदोलन पंडाल पर पहुंचकर आशीष लुल्ला से अनशन वापस लेने की मांग मनोबल की। पश्चात शाम 4 बजे तक राज्य सरकार की ओर से सिंधी समाज को पीआर कार्ड मुहैया कराने का आश्वासन दिए जाने पर आशीष लुल्ला ने अपना अनशन वापस लिया और उसके वजह से विक्की कुकरेजा, कुमार जी आहलानी और सभी लोगों ने जो प्रयास किया था, 2018 का जीआर निकला। अब विक्की भाई ने जैसा बताया, 2020 को महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी, उसने वो कैंसिल किया था। अभी फिर से वो बहाल हो गया। अब जो इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें हैं उसके बारे में अभी यहाँ पे आने के बाद में मैंने जिलाधिकारी से बात की, तो जिलाधिकारी से बात करने के बाद में उन्होंने बताया कि बडनेरा के जो है और रामपुरी कैंप के हैं कुछ लोगों के तो निश्चित ही हम अभी कभी यानी 2-4 दिन में दे सकते हैं, और कुछ लोगों का जो वर्गीकरण का है उनके पर्याप्त प्रूफ आ गए, एसडीओ ने, एसडीओ भटकर ने उसकी जांच करने के बाद में उनको आवंटन किया जा सकता है। अमरावती शहर के ड्रीमलैंड के एआरएन एसोसिएट के परीक्षा केंद्र पर 2 दिन पहले महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो जाने से नाराज विद्यार्थियों ने आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय पर तीव्र प्रदर्शन किया। साथ ही वहां पहुंचे राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे की कार का घेराव भी किया। इस समय सांसद बोंडे ने मामले की शिकायत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार से करने व विद्यार्थियों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। एक्झाम परत नाही झाली, पुन्हा जर त्यांनी रद्द करून परत एक्झाम नाही घेतली तर आम्ही मोठं आंदोलन करू, हे आम्ही आमच्याच स्तरावर केलेलं आहे। मंत्र्यांना निवेदन दिली, कॉल केले, ट्विटरवर केलेले आहेत, आमचे मोबाईल नंबर्स ब्लॉक करत आहेत, कॉल कट करत आहेत की आमच्याकडे ते डिपार्टमेंट नाही आहे, असं करून आता चालणार नाही। सरकारने यात दखल घ्यावी, नाहीतर अन्यथा सर्व विद्यार्थ्यांचा जो पण आक्रोश आहे तो मोठ्या जे पण आंदोलन होणार त्याच्यामध्ये समोर जावं लागेल आम्हाला। आमच्याकडे आता काहीच दुसरा ऑप्शन नाही राहिलेला आहे, आम्हाला आंदोलन करावंच लागेल। पेपर फुटल्याचं वर्तमानपत्रात वाचलं होतं, परंतु आता या मुलांना भेटल्यानंतर ही सत्य परिस्थिती दिसते आहे की हॉल तिकीटवर ABCDच्या रूपामध्ये प्रश्नाचे उत्तरं त्यांना पुरवल्या गेले आहे काही विद्यार्थ्यांना, आणि असं जर सगळ्यात सेंटरवर होत असेल, आणि विशेषतः या पोरांचं म्हणणं असं आहे की जे नॉन टी सी एसचे अधिकृत सेंटर जे नाही आहेत त्या सेंटरवर या सगळ्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आहे, आणि जलसंतारांचा अधिकारीसुद्धा सापडलेला आहे, आणि ही गंभीर बाब आहे। मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि जलसंधारण खात्याचे मंत्री संजय राठोड यांना कळकळीची विनंती करतो की या सगळ्या पोरांचा विश्वास शासनावर त्याचप्रमाणे परीक्षेवर असला पाहिजे, सगळे इंजिनियर पोर आहे यांचा असला पाहिजे, यासाठी या गोष्टीकडे तातडीनं लक्ष द्यावं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू दिखाई दे रही है और सभी राजनीतिक दल मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी काफी तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिसके मुताबिक इस बार चुनाव में अब पहली बार घर बैठे मतदान किया जा सकेगा। इसे लेकर अनुमति दिए जाने की जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने पुणे के जिलाधीश कार्यालय में हुई पत्रवार्ता के दौरान दी। अकोला महानगर पालिका की आयुक्त कविता द्विवेदी का पुणे के संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय में सहायक आयुक्त पद पर तबादला हुआ है। उनके स्थान पर फिलहाल अकोला मनपा आयुक्त पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है और जल्द ही अकोला मनपा के आयुक्त पद की कमान किसी अधिकारी को दिए जाने की संभावना दर्शाई जा रही है। संत गाड़गे बाबा के जयंती दिवस पर युवा कांग्रेस व NSVI के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों से संबंधित 26 समस्याएं कुलगुरु के सामने रखी और इन समस्याओं को लेकर कुलगुरु के साथ चर्चा की। साथ ही समस्याओं के संदर्भ में जल्द उपाय योजना नहीं किए जाने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। जिजाऊ कमर्शियल बैंक में वर्ष 2023-2024 आर्थिक वर्ष की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बैंक के सभी 11 शाखा व्यवस्थापक व कर्मचारी उपस्थित थे। इस समय मार्गदर्शन करते हुए बैंक के अध्यक्ष अविनाश कोठाले ने कहा कि जारी आर्थिक वर्ष के लिए बैंक में 20% की वृद्धि अपेक्षित है।
कल 24 फरवरी को लोनावला में होने जा रही टाटा अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लेने के लिए अमरावती रोड रनर्स ग्रुप के 20 सदस्य आज लोनावला हेतु रवाना हुए। इस समय रनिंग कोच दिलीप पाटिल सहित कई क्रीडा प्रेमियों ने उपस्थित रहकर इन सभी लोगों का उत्साह बढ़ाया। राज्य के पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अमरावती के जिलाधीश कार्यालय द्वारा विगत 18 फरवरी से साइंस कोर मैदान पर 5 दिवसीय महासंस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके 5वें व अंतिम दिन संविधान महानाट्य का आयोजन किया गया, जिसके जरिए कलाकारों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान निर्मित हेतु किए गए त्याग व परिश्रम को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। साथ ही 3 घंटे चले इस महानाट्य के जरिए अमरावती वासियों ने संविधान निर्मित के संघर्ष का अनुभव भी किया। जिला स्टेडियम में अल्फा एकेडमी, ब्रू मास्टर स्पोर्ट्स एकेडमी व अनिकेत देशमुख की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा यशोमती चषक का 17 से 19 फरवरी के बीच आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में लक्ष्य एकेडमी के विद्यार्थियों ने अपने जबरदस्त खेल के बूते पूरे मैच के दौरान वर्चस्व बनाकर कई पुरस्कार जीते। विगत बुधवार से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें चिखलदरा तहसील अंतर्गत तेलखार स्थित गुरुदेव काले विद्यालय में मुरगढ़ गांव की रहने वाली भाग्यश्री बारवे नामक युवती भी हिस्सा ले रही है, जो इस समय सभी के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि भाग्यश्री बारवे परीक्षा देते समय गोद में रहने वाले अपने 6 माह के दूध में बच्चे को भी संभाल रही है। ऐसे में नन्हे बच्चे को संभालने के साथ ही परीक्षा दे रही इस महिला परीक्षार्थी के फोटो व वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। फसल मंडी के सब्जी मार्केट में मध्य प्रदेश से लहसुन की आवक लगातार बढ़ रही है, जिससे लहसुन के दाम काफी हद तक कम हुए और इस समय थोक मार्केट में लहसुन 250 से 300 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है। कोविड महामारी के दौरान बढ़ाए गए पैसेंजर व मेमू ट्रेन के किराए में रेलवे ने अचानक कमी करते हुए यात्रियों को काफी बड़ी राहत दी है और यात्री किराए को लगभग आधा कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को पैसेंजर गाड़ियों में सफर करने पर अब कम किराया अदा करना पड़ेगा। 22 फरवरी से अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन के अधीक्षक लोहकरे ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि 22 फरवरी से नया किराया लागू हो गया है। नंगो खंडेश्वर तहसील के सिंगनापुर फाटे पर विगत 18 फरवरी को सड़क हादसा घटित हुआ था और 24 युवा क्रिकेटरों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 4 युवकों की मौत हुई थी और 19 लोग घायल हो गए थे। ऐसे में समय सूचकता दिखाते हुए सभी घायलों की मदद करने वालों का ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने अपने कार्यालय में सत्कार किया। साथ ही अपनी जान की बाजी लगाकर मदद करते हुए युवाओं की जान बचाने में अहम भूमिका अदा करने वाले युवकों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। अकोट तहसील अंतर्गत सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रहने वाली हिवरखेड़ ग्राम पंचायत को आखिरकार नगर परिषद का दर्जा मिल गया है, जिसके चलते हिवरखेड़ गांव वासियों ने जमकर जल्लोष मनाने के साथ ही इस हेतु प्रयास करने वाले क्षेत्र के विधायक प्रकाश भारसाखले के प्रति आभार भी ज्ञापित किया है। भुसावल से वर्धा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को बडनेरा व चांदू रेलवे दौरान कल्ली में और अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को चांदू रेलवे में स्टॉपेज दिया गया है। रेलवे ने यह जानकारी सांसद रामदास तड़स को भेजे गए पत्र में दी है। अमरावती के हिंदी साहित्य क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाले भगवान वैद्य प्रखर की लघु कथा हकीकत को मॉरिशस से प्रकाशित विश्व हिंदी साहित्य 2023 में सम्मानपूर्वक प्रकाशित किया गया, जिसके चलते राष्ट्रीय व राज्य स्तर के साहित्य पुरस्कार प्राप्त भगवान वैद्य प्रखर को बधाई देने वालों की अच्छी खासी होड़ लग गई है। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज 36वीं किडनी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई, जिसके तहत फिर एक बार एक मां ने अपने बेटे को नया जीवन दान देते हुए उसे अपनी किडनी प्रदान की। उषा वड़ोदे नामक महिला द्वारा दी गई किडनी के चलते उसके बेटे प्रमोद को नया जीवन मिला है। श्रीकृष्णपेटी स्थित डॉक्टर रोहित चोरडिया के महावीर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से बुढ़ना गांव निवासी 27 वर्षीय रविंद्र वामन चौहान नामक युवक की जान चले जाने का आरोप परिजनों ने सिटी कोतवाली में दी गई शिकायत में लगाया है। पश्चात पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। पुलिस थाने में प्राथमिक बयान दर्ज कराने हेतु पहुंचे डॉक्टर चोरडिया के साथ मृतक के रिश्तेदारों ने धक्का मुक्की करने का प्रयास भी किया। डॉक्टर चोरडिया ने मंडल न्यूज से बातचीत में बताया कि उक्त मरीज ने कीटनाशक घटक लिया था, जिसे बचाने का भरसक प्रयास किया गया, परंतु रात 9:30 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और जेनिथ अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। साथ ही डॉक्टर चोरडिया ने किसी भी प्रकार की लापरवाही से साफ इनकार किया है। शेयर मार्केट में निवेश करने पर काफी मुनाफा होगा, ऐसा लालच देकर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए व्हाट्सएप पर लिंक भेजते हुए 84,79,436 रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को अमरावती शहर पुलिस ने पकड़ लिया। इस आशय की जानकारी आज शहर पुलिस आयुक्तालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि अमरावती के रहने वाले मोहन गोत्रे ने 23 जनवरी 2024 को साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने साथ हुई ऑनलाइन जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई थी। त्याच्याकडचे जे व्हॉट्सअप मोबाईल नंबर होते ते 4 नंबर आहेत व्हॉट्सअपचे, त्याच्यावर वारंवार मेसेज येत होता की शेअर मार्केटमध्ये तुम्हाला जास्त प्रमाणामध्ये नफा प्राप्त करून देतो म्हणून, आणि त्यावर त्यांना एक ॲपसुद्धा तो इंदिरा सेज नावाचा ॲप आहे तो डाउनलोड करण्यासाठी त्यांना सांगितलं, आणि
जास्त नफ्याच्या आमिषाखाली त्यांनी वारंवार त्या ॲपवर रक्कम भरलेली आहे. ती रक्कम त्यांनी स्वतःच्या बँक अकाउंटमधनं आणि त्यांच्या मुलाच्या बँक अकाउंटमधनं भरलेली आहे. म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या अकाउंटवरनं साधारण 65 लाख आणि मुलाच्या अकाउंटवरनं 18 लाख, म्हणजे टोटल असे साधारण 84,79,436 रुपये त्यांनी ॲपवरनं भरलेले आहेत. मुर्शी के जयसम चौक स्थित अमरावती रोड से जाने वाले टाटा टर्बो वाहन में कटाई हेतु ले जाए जा रहे गोवंश को फुलाते हुए उन्हें जीवन दान दिलाने में मुर्शी पुलिस कामयाब रही. यह घटना गुरुवार 22 फरवरी की सुबह 6 बजे घटित हुई. पुलिस ने वाहन तथा गोवंश सहित 3,70,000 रुपये का माल जब्त किया. 2 लाख रुपये की नकद रकम से भरी बैग को चुराने वाले 3 लोगों की टोली को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों में चंदू ठाकरे, देवेंद्र घाटे व कैलाश वालस्कर नामक 3 आरोपियों का समावेश है, जिनके पास से 2 लाख रुपये की नकद रकम बरामद कर ली गई. इन तीनों आरोपियों ने सावनर निवासी संतोष भड़के के नीले रंग की कॉलेज बैग में रखे 2 लाख रुपये की नकद रकम को चुरा लिया था, जो संतोष भड़के अपने साथ LIC के प्रीमियम के तौर पर भरने हेतु लेकर आए थे. हंजनगंज सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत लखाड़ गांव में कल गुरुवार 22 फरवरी की सुबह 9:30 बजे के आसपास उमेश गवाले नामक 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले मृतक द्वारा सुसाइड नोट लिखा गया है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराने की बात कही और परिवार चलाने में असमर्थ रहने के चलते खुद आत्महत्या करने की बात इस सुसाइड नोट में लिखी गई है. 2 दिन पूर्व अकोला शहर से नकली पुलिस का एक मामला उजागर होने की घटना घटित हुई थी. वहीं एक बार फिर फर्जी यातायात पुलिस बनकर वाहनों की जांच करने और फिर वाहन छीनकर फरार होने का मामला सामने आया है. इस मामले में तेजी से जांच करते हुए अकोला शहर पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर घूमने वाले युवक को गिरफ्तार किया है.